हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू लक्ष्य फैमिली। हमने पिछले ग्रामर के वीडियो में नाउन को पढ़ना प्रारंभ किया था। नाउन को पढ़ना हमने शुरू किया था। हमने उसमें तीन नाउन्स पढ़े थे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होता है, जैसे दिलही राम या कोई चेयर, कोई वस्तु हो जाए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ यूज फॉर नॉट एनी स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग नहीं होता, बल्कि यह समस्त जाति का बोध कराता है, समस्त वर्ग का बोध कराता है, जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, एनिमल। ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन्स। इसके बाद हमने पढ़ा था मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन उन पदार्थों का बोध कराता है। मैटेरियल नाउन्स टेल अस अबाउट दोज मैटर्स व्हिच कैन बी मोल्डेड इंटू मैनी शेप्स, जिन्हें कई रूपों में बांटा जा सकता है, जिन्हें कई रूपों में बनाया जा सकता है। ऐसे पदार्थों का बोध कराते हैं जिनका हम उपयोग विभिन्न रूपों में करते हैं, वह हमारे मेटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे उसमें हमने पढ़ा था आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ये सारे हमारे क्या हैं? मेटेरियल नाउन्स। आगे हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स की तरफ। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? ए कलेक्टिव नाउन इज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कलेक्टिव नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन इज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कलेक्टिव नाउन होगा वो किसी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के कलेक्शन यानी समूह का बोध कराएगा। कलेक्टिव नाउन किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के समूह का बोध कराएगा, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? आर्मी है। आर्मी किसका बोध कराता है? सैनिकों का। लेकिन हम किसी सैनिक का नाम नहीं ले रहे हैं, हम आर्मी कह रहे हैं, मतलब उसमें हमें पता लग जाएगा कि उसमें बहुत सारे सैनिक हैं। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। अब भीड़ में कोई व्यक्ति होगा, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तो क्राउड हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास किसकी होती है? विद्यार्थियों की, तो क्लास भी क्या है? कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक क्या है? फ्लॉक मतलब भी समूह होता है, किसी चीज़ का बोध कराता है, जैसे जानवरों का समूह, फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, फ्लॉक ऑफ सीप। तो फ्लॉक क्या है? समूह दिखाता है। डजन मतलब दर्जन, दर्जन कोई वस्तु हो सकती है जिसमें 12 वस्तुएँ आती हों, 12 थिंग्स आती हों। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्टिव नाउन किसी भी वस्तु के समूह का बोध कराता है, जैसे कि आर्मी, क्राउड, क्लास, फ्लॉक, डजन, ईटीसी। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलेंगे हम भाववाचक संज्ञा। एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, ना तो उसे देखा जा सकता है, ना ही उसे छुआ जा सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इट कैन बी ओनली थॉट, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी थॉट, इसे सिर्फ सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। इट कैन ओनली बी थॉट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उन्हें तो हम ना तो देख सकते हैं, ना ही उन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनके बारे में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति होगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, तो उसे बन जाएगा ऑनेस्टी। उसके अंदर कौन सा गुण होगा? ऑनेस्टी का। कोई व्यक्ति गरीब होगा तो होगा पुअर, पुअर का हो जाएगा नाउन पॉवर्टी। रिच, रिच से बन जाएगा रिचनेस। चाइल्डहुड बचपन, अट्रैक्शन लगाव, ये सारे क्या हैं हमारे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, कहीं वाई लगाया जाता है, कहीं लगाते हैं एन ई डबल एस, इसके बाद लगाते हैं एम ई एन टी मैन, और फिर लगाते हैं आई ओ एन। यही सारे चीज़ों को लगाकर हम अपना जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे हम बनाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो बहुत सारे लोगों के, वस्तुओं के समूह का बोध करे, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे कि आर्मी, क्राउड, क्लास, फ्लॉक, डजन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति होगा ईमानदार, तो उसके अंदर ईमानदारी का गुण होगा। कोई व्यक्ति गरीब होगा तो उसके अंदर गरीबी का गुण होगा, मतलब वह गरीबी, मतलब उसमें गरीबी होगी। कोई व्यक्ति अगर महान होगा तो उसके अंदर महानता का गुण होगा। कोई व्यक्ति अगर, किसी व्यक्ति का बचपन चल रहा हो तो उसे हम, मतलब कोई बच्चा हो तो उसका हम बचपन कहेंगे। फिर आगे कोई व्यक्ति हमसे स्नेह दिखाए, हमसे कोई लगाव दिखाए, तो उसे हम बोलेंगे अट्रैक्शन। ये हमारे क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए हम नाउन्स को पहचानते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं। हमने पढ़ा था नाउन होते हैं 5 टाइप्स के। अब इसमें राम कौन सा नाउन है? राम किसी व्यक्ति का बोध कराया है।
राम अकेला व्यक्ति है उसका बोध करा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसके बाद पावर्टी, पावर्टी मतलब गरीबी। अब गरीबी किससे जुड़ेगी, किसी मनुष्य से, तो यह हमारा क्या हो जाएगा अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसे बना सकते हैं गरीब से गरीबी, तो हमारा ये हो गया अबस्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम इसे बना रहे से देख नहीं सकते। मीटिंग मतलब सभा, सभा मतलब वहाँ बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि अकेला व्यक्ति मीटिंग कर ही नहीं सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कलेक्शन, यानी क्या बोलेंगे इसे कलेक्टिव नाउन, जहाँ बहुत सारे लोग उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और इसके बाद है क्लास, क्लास भी किसकी होगी विद्यार्थियों की, तो यह भी क्या है फिर कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तभी वो क्लास होगी, क्लास। इसके बाद है बॉय, बॉय किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, जितने भी लड़के हैं सबके बारे में बता रहा है, जिसमें हम क्या बोलेंगे बॉय क्या है हमारा, ये है हमारा कॉमन नाउन, बॉय हो जाएगा कॉमन नाउन। इसके बाद क्या है सिटी, अब सिटी कोई स्पेशल सिटी का बोध तो करा नहीं है, किसी स्पेशल सिटी के बारे में बता नहीं रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। और अगर हो जाए जैसे कि दिल्ली, तो हमारा जो दिल्ली है वो क्या हो जाएगा प्रॉपर, जबकि सिटी क्या हो जाएगा कॉमन, दिल्ली क्या है इसमें प्रॉपर, क्योंकि यह दिल्ली अकेला नाम है, इसलिए हम इसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। राम प्रॉपर नाउन, पावर्टी डिस्ट्रिक्ट नाउन, मीटिंग कलेक्टिव नाउन, क्लास कलेक्टिव नाउन, बॉय कॉमन नाउन, सिटी कॉमन नाउन, दिल्ली प्रॉपर नाउन। सन क्या है, सन भी अकेला है, तो यह भी क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसके बाद है फैटनेस, फैटनेस मतलब कोई व्यक्ति मोटा होगा तो उसके अंदर क्या होगा मोटापा, इसे हम क्या बोलेंगे अबस्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम इसे फैट से बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये अबस्ट्रैक्ट नाउन। और इसके बाद है वीकनेस, वीक मतलब कमजोर, कमजोर से बन जाता है कमजोरी, यह भी क्या हो जाएगा अबस्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद है आर्मी, आर्मी मतलब सैनिकों का समूह, तो यह समूह का बोध कराएगा, मतलब यह हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसके बाद है मैन, मैन क्या है कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें किसी खास व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये हो गया कॉमन नाउन। गोल्ड क्या है, गोल्ड एक प्रकार का पदार्थ है, मैटर है, जिसका हम विभिन्न प्रकार से यूज करते हैं, ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। और इसके बाद है सिल्वर, सिल्वर भी क्या है, सिल्वर भी एक प्रकार का मैटर है, जिसका विभिन्न प्रकार से यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के गहने बनाते हैं, ये अभी क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन। अब आगे लिखा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन को आज के समय में तीन रूपों में बांटा जाता है, यदि नाउन होगी तो इसे हम तीन रूपों में बांट सकते हैं, आज के समय में नाउन को तीन रूपों में बांट सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राचीन तरीका है, प्रॉपर कॉमन मटेरियल अबस्ट्रैक्ट और कलेक्टिव जो हमारा है, ये प्राचीन तरीका है। अभी जो नाउन है उसे हम तीन भागों में बांटते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न मतलब नाउन को बांटने का आधुनिक तरीका है, उसे बांटते किस रूप में है, तो पहला हो जाता है प्रॉपर नाउन, दूसरा हो जाता है काउंटेबल, काउंटेबल होता है जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल होता है जिसे हम गिन नहीं सकते, तो उसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में कितने प्रकार के नाउन होते हैं, थ्री, और बाकी हमारा जो ट्रेडिशनल है, जो हमारा पारंपरिक नाउन का काइंड से, वो पांच प्रकार का होता है, प्रॉपर कॉमन मटेरियल अबस्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। पर जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इसमें तीन प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम प्रॉपर मतलब जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं उसे बोलेंगे काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते उसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। यदि हम इसे इन रूपों में बांटने का प्रयास करें, इन नाउन को मतलब जो हमने लिखा है राम, पावर्टी, मीटिंग, क्लास, अगर हम इसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में बांटने का प्रयास करें जो कि तीन प्रकार के होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर है, राम अकेला व्यक्ति तो प्रॉपर हो जाएगा। पावर्टी हम इसे गिन नहीं सकते, जैसे हमारा जो पावर्टी है वो हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, पावर्टी क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, इसमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है। मीटिंग, मीटिंग क्या है, मीटिंग भी हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। और इसके बाद है हमारा जो क्लास है, क्लास क्या है, यह भी है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और इसके बाद बॉय, यह भी क्या है काउंटेबल नाउन, सिटी क्या है काउंटेबल नाउन, दिल्ली क्या है यह है प्रॉपर नाउन, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है। इसके बाद सन क्या है प्रॉपर नाउन, फैटनेस क्या है, ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मतलब हम मोटापे को गिन नहीं सकते,
वीकनेस मतलब कमजोरी, इसे भी नहीं गिना जा सकता, इसमें बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। आर्मी, आर्मी मतलब ये तीन प्रकार के होते हैं, हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन। और फिर मैन क्या है, काउंटेबल नाउन। गोल्ड क्या है, ये है अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि हम गोल्ड को नहीं गिन सकते। सिल्वर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में हमारा जो नाउन होता है तीन प्रकार का होता है, इस प्रकार हम बड़ी ईजिली बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।